किसी भी मकान में अर्थिंग बहुत ज़रूरी है, और अर्थिंग की किस तरह से की जाती है ये आपको रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिशियन से जान बताओ, जॉन बताएंगे, बताओ मिस्टर जॉन कौन, बताओ कैसे करते हैं अर्थिंग, कैसे कर रहे हैं। एक ग्लैल्वेनाइज प्लेट है और ग्लैल्वेनाइज वायर है, हाँ, उसके साथ नट बोल्ट है, नट बोल्ट, और उसमें नमक और कोयला डाला जाता है दोनों तरफ, और काई नहीं डाला था, नमक की होती है, हाँ, पहली परत नमक की होती है, फिर दूसरी परत मिट्टी की होती है, तीसरी परत कोयले की होती है, फिर ऐसा कंटिन्यू करते जाओ। अच्छा अच्छा, जब कंप्लीट हो जाए तो आपकी अर्थिंग कंप्लीट है। अच्छा अच्छा, ये नमक की परत डाल दी गई है, अब जो है मिट्टी डाल रही है, मिट्टी डाली जा रही है। ये अर्थिंग श्री जॉन के द्वारा माया देवी गुप्ता आर्ट गैलरी में की जा रही है ना, बस इस तरफ भी डाल दो थोड़ा मट्टी। नमक के बाद अब चूल्हा डाला जा रहा है, मट्टी के बाद कोयला डाला, मट्टी, नमक, मट्टी, फिर चूल्हा। अर्थिंग की प्रोसेस है बहुत जरूरी है, इससे वोल्टेज ही बढ़ता है और मानो जन धन हानि से भी बचाव होता है। अब ये नमक डाला जा रहा है, कोयला इसलिए डाला जाता है कि कोयला नमी बना के रखता है, अर्थिंग को जरूरत पड़ती सबसे ज़्यादा इसमें पानी होना जरूरी है, नमी बनी रहना चाहिए, नमी तो बहुत रहेगी इसमें, तब पानी चूल्हा डाला जाए, अर्थिंग के लिए चूल्हा डाला जाए, उसके ऊपर मिट्टी आई फिर नमक डाला जाए, ये नमी बनाए रखने के लिए किया जाता है।